ये लो है यार। यहाँ पकड़ना। थैंक यू। हाया प्लीज, इस देवदास वाले मूड से बाहर निकलो। बोरिंग हो रहा है यार, ज्यादा हो गया है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए शेक बनाया था कि तुम्हारा मूड कुछ बेहतर हो। थैंक यू भी नहीं बोला तुम्हें, तुम इतनी मीन हो। यार मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादा। जानती हूँ, पता नहीं एचएस ने मेरे साथ इस तरह क्यों किया। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें मैंने उसके गिफ्ट्स भी दिखाए थे, कार्ड्स भी दिखाए थे। हाँ यार, मैं जानती हूँ तुम झूठ नहीं बोल रही हो। यार मुझे लगता है एचएस को एटलीस्ट इतना बता देना चाहिए था कि वो रूसा बाजी को लाइक करता है, उनमें इंटरेस्टेड है। यार आई होप कि तुम माइंड नहीं करोगी, पर पता क्या, मुझे क्या लगता है कि एचएस ने तुम्हें धोखा दिया। मुझे तो सबने धोखा दिया। मेरी बेस्ट फ्रेंड फरीसा, पता उसने क्या बोला कि मेरा और सायम का अफेयर चल रहा है। कैन यू इमेजिन, इतनी गंदी बात। ऐसी लड़की लगती हूँ मैं क्या? तुम पागल हो गई हो यार, मैं तो नहीं जानती तुम कैसी हो। इनफैक्ट तुम्हें सब जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो, कितनी इनोसेंट हो। तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सफर भी मैं करूं और घर भी मैं छोड़ कर आऊं, एचएस बड़े मजे से अपनी दुल्हन के साथ मजे कर रहा है। हाय आलिस, देखो मेरी बात सुनो। एक्चुअली इस टाइम पे ना, मुझे लगता है तुमने इस बात को बहुत ज्यादा दिमाग पे सवार किया हुआ है, इसलिए तुम हर वक्त इस बारे में सोचती रहती हो। यार मैं तुम्हें कैसे हेल्प करूं? आइडिया, आई थिंक मुझे कल छुट्टी करनी चाहिए। साथ टाइम गुजारेंगे ना, डेफिनेटली तुम्हारा मूड ठीक होगा। नहीं 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 नहीं, तुम्हें छुट्टी करने की जरूरत नहीं, मैं पूरा दिन रो के गुजार लूंगी, मैं ठीक। अच्छा, एक काम करते हैं ना, मिलकर रोते हैं। ऐसा करते हैं, मिलकर शेक पीते हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इस तरह चीखने की? मुझे लगता है कि उनको पता लग गया खानदान में बात तुम ही ने फैलाई। एक्सक्यूज मी, मजाक कर रहा हूं। मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे हया बिल्कुल ठीक कह रही थी हादी भाई के बारे में, उसने मुझे कितना हर्ट किया, उसके बाद मुझे उसकी इतनी फिक्र है। मुझे ऐसे गुस्से से देख रहे हैं जैसे मैंने उनके हाथ किडनैप करवाया हो, जबकि सारी गलती उनकी अपनी थी। वैसे मेरे पास भी फोन आया था। तुमने क्या कहा? यही के जो कुछ पता लगा तुम्हें से पता लगा था उसके बारे में। तुमने ऐसा कह दिया? हाँ। मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो तुम मेरी बेल करवाने आओगे? मुझे क्या मालूम था, मैं फोन के लिए प्रिपेयर थोड़ी था। जो सच था मुंह से निकल गया मेरा। तुम सब कुछ पहले से जानते थे, तो पुलिस मुझे ले जाएगी, मैं क्या करूंगी? तुम बहुत स्टूपिड हो। स्टूपिड नहीं बोलना मुझे, ओके? वैसे भी तुम्हारे खानदान का मसला है, तुम जानो। मेरे खानदान का मसला था, इसलिए तुम्हें हया से इतनी हमदर्दी हो रही थी ना उस दिन। कहना क्या चाह रही हो तुम? हाँ रहने दो, तुम्हें जान गई मैं अच्छी तरह, तुम किस तरह के इंसान हो। You are sick. उस दिन हया पे लाइन मार रहे थे ना, मैं जानती हूँ तुम क्या करोगे। मुझसे बात करने से बेहतर है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, अपने गुरे सारे जाओ, हमारे फ्लैट में जाओ। और तुम अपने पापोश नगर जाओ, सुना है बहुत बड़ा कब्रिस्तान है वहाँ पे। You're sick. अल्लाह, मैं तो डर गई। आप हैं? क्यों? मुझे कॉकअप ने बताया नहीं कि आप दिन को भी घर आते हैं। नहीं, हमेशा नहीं आता, बस ऐसे ही कभी कभार। तुम्हें बुरा लगा क्या? भला मुझे बुरा क्यों लगेगा, ये घर तो आपका ही है। सॉरी। कोई बात नहीं। कहाँ जा रही? जब से आई मैंने कपड़े अनपैक नहीं किया, बस वो समेटने जा रही हूँ। ओके ठीक है, फिर मैं लंच खुद ही निकाल लेता हूँ। कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि मैं आपके लिए लंच गर्म करके दे दूँ? नहीं, इट्स ओके, अगर तुम्हें काम है, तुम बिजी हो तो ठीक है, मैं खुद ही देख लूंगा। चले तो बहुत अच्छी बात, फिर मैं जाके अपना काम करती हूँ। जाते वक्त दरवाजा बंद कर दीजिएगा। ओके।